एंड बताओ तो भीमताल लेक की तरफ कभी भी जाते हैं हल्द्वानी साइड में तो कुछ इस तरीके का नज़ारा भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ से सीधा उसके बाद हम भीमताल लेक में पहुँचेंगे और ये सुसाइड पॉइंट है। एंड यहाँ पे ना बताओ तो इस तरीके से लोहे की रेलिंग वगैरह लगा रखा है, बिल्कुल यहाँ पे जाना एकदम मना है, पर फिर भी लोग जाते हैं इस जगह में। और इस जगह की बात करूँ ना तो ये जो स्टोन है दिख रहा होगा, इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट है। और बिल्कुल नैनीताल जब आप हल्द्वानी के साइड से जाएंगे किसी भी टाइम तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल इस रोड के एकदम किनारे इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले काफ़ी सेल्फी काफ़ी को दिक्कत भी हुआ है, लेकिन इस जगह में जाना बिल्कुल एकदम मना है, फिर भी जाते हैं लोग और वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और इस तरीके से इस जगह का नाम एक सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और भीमताल की तरफ कभी भी जाते हैं तो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार भीमताल लेक में हम आ चुके हैं एंड हम कर रहे हैं इस टाइम बोटिंग, और हमने पैडलिंग वाली बोट ले रखा है। और बताओ तो इस तरीके से पैडलिंग वाली बोट को चलाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ का व्यू एंड साइकिलिंग वाली बोट भी स्टार्ट है यहाँ पर। पर मेरे को साइकिलिंग वाली बोटिंग करना था पर हम काफ़ी लोग हैं साथ में, इसी वजह से नहीं हो पाया। तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड शाम होने वाला है बिल्कुल, अभी सूर्य की रोशनी बिल्कुल एकदम फ्लैश जैसा पड़ रहा है, तो इस तरीके से व्यू दिखता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। एंड शिकारा राइड भी करते हैं एंड इस तरीके से बताऊँ तो साइकिलिंग भी करते हैं। और इसके बारे में बताऊँ तो इसका भी कॉस्ट लगभग 500 रुपीज़ है एंड 2% का अलग रेट है। इसमें सिंगल वाला भी होता है, डबल वाला भी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है एंड साइकिलिंग वाली बोट इस तरीके से करते हैं साइकिलिंग वाली बोटिंग। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो क्योंकि इसमें मैं जैसे कि बताया कि हम काफ़ी लोग थे तो इस वजह से नहीं हो पाया है, पर ये सिंगल वाला भी आता है अलग से एंड डबल वाला भी होता है साइकिलिंग, तो इस तरीके से करते हैं, जो कि भीमताल लेक में पहले नहीं था एंड अभी थोड़ा दिन हुआ है तो स्टार्ट हो चुका है। एंड और भी अभी फ़िलहाल बताऊँ तो 2 पॉइंट पे हमें देखने को मिलते हैं साइकिलिंग वाली बोट, और इस तरीके से व्यू है और नज़ारा काफ़ी सुंदर है भीमताल लेक का, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड हम बताएं तो इस तरीके से व्यू है यहाँ का। एंड यहाँ से अगर मैं हल्द्वानी की बात करूँ तो हल से बात करूँ काठ गोदाम से भीमताल लेक की डिस्टेंस तो लगभग 17 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड इस तरीके से व्यू है, नज़ारा और काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। एंड इस तरीके से बताऊँ तो देखने को मिलता है यहाँ का नज़ारा, इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है एंड सूर्य की किरणें बिल्कुल अभी थोड़ी देर में एकदम यहाँ से क्योंकि हिल के एकदम उस साइड में चला जाएगा एकदम पूरा बिल्कुल, उसके बाद रोशनी नहीं आएगा। एंड इस तरीके से शिकारा राइड भी करते हैं काफ़ी लोग, टूरिस्ट लोग, एंड काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा लगता है। शाम के वक्त अगर मैं बात करूं तो टूरिस्ट लोग सबसे ज़्यादा शाम के वक्त ही आने की कोशिश करते हैं। एंड इस तरीके से साइकिलिंग वाली और भी बोट जो कि देखने को मिलता है एंड इस तरीके से आगे की तरफ बहुत सारे टावर्स भी लगे हुए हैं एंड काफ़ी सुंदर, एकदम ठंडा ठंडा बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं हैं। एंड बताओ तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम, और मैं इस समय बोट के ऊपर बिल्कुल स्टैंड में खड़ा हो चुका हूँ, यहाँ पे यहाँ से बिल्कुल काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर लगता है अपने आप में। एंड बताऊँ तो भीमताल लेक में शाम के वक्त एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल, और हल्की हल्की हवाएं भी चल रहा है। एंड बताऊँ तो इस तरीके से शिकारा राइड बिल्कुल एकदम कश्मीर जैसा फील आता है, शायद मैं भी कभी गया नहीं पर कश्मीर में जब भी उनकी वीडियो वगैरह देखता हूँ तो इस तरीके से शिकारा राइड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे एंड में बताऊँ तो इस तरीके से भीमताल लेक में इस साइड में जो कि साइकिलिंग वाली बोट के एकदम किनारे रेड कलर का जो दूर से दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग झंडे भी लगे हुए हैं, ये माँ कैचुला देवी का मंदिर है। और भीमताल में ये जो टेम्पल है काफ़ी पुराना टेम्पल है, क्योंकि ये जो टेम्पल है यहाँ पे जो ये पहले एक झंडा सा दिख रहा है तो यहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था। जब जल स्तर ज़्यादा बढ़ गया है तो मंदिर को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो इस तरीके से। एंड साइकिलिंग वाली ये दो बोट और देखने को मिल रहा है, और क्योंकि हमें करना था पर मैं बताऊँ तो काफ़ी लोग थे साथ में, इसी वजह से मैं साइकिलिंग वाली बोट को नहीं ले पाया। और काफ़ी इसमें क्योंकि दो लोग होते हैं एंड सिंगल वाला बताऊँ तो सिंगल वाला भी साइकिलिंग वाली बोट मिलता है, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू, देखिए पीछे बैक साइड में इस तरीके से दिखता है। एंड काफ़ी नज़ारा काफ़ी एकदम बताओ तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और इस तरीके से है व्यू और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, दिखने लायक है एकदम। और शाम के वक्त के समय का व्यू काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि एकदम ठंडी हवाएं, और बताओ तो इस तरीके से लेक के चारों तरफ आपको बोटिंग करते हुए सैलानियों क्या बोट
शिकारा राइड एंड साइकिलिंग वाली वोट, बहुत सारे वोट आपको देखने को मिलेंगे। और बताओ तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कैची धाम जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और यहाँ से बस थोड़े ही दूर में भीमताल का एकदम लेक के साथ ही लगा हुआ सिटी भी है। एंड यहाँ से बताओ तो आप नैनीताल के लिए भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ भीमताल लेक की तो इसके बीच में एक एक्वेरियम भी है जो कि काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक कैफ़े भी है। एंड इस तरीके से व्यू है यहाँ का। एंड ये बैक साइड पीछे की तरफ ये माँ कैचुला देवी का टेंपल है, तो इस तरीके से है। एंड दो साइकिलिंग वाले इधर के साइड में अगर मैं दिखाऊँ तो साइकिलिंग वाली बोट इधर की तरफ चला रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू, काफ़ी नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है। एंड मैं बताऊँ तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से, एकदम व्यू देखिए कितना सुंदर लगता है, एकदम काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ का व्यू। एंड इस तरीके से देख सकते हैं। एंड साइकिलिंग वाली बोट आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ही शायद मज़ा आता होगा करते हुए, तो इसका क्योंकि करने के बाद ही पता लगेगा कि कितना एक्साइटमेंट होता है इसको करने से। और काफ़ी सारे और भी चीज़ें, आगे की तरफ की बात करूँ तो आगे की तरफ एक स्टैंड भी है। एंड इस तरीके से देखने को मिलता है नज़ारा, बहुत सारे होटल्स भी है रोड के उस पर। ये रोड है जो कि हल्द्वानी की तरफ से जो रोड आया हुआ है। एंड इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें जो कि देखने को मिला है आज हमें भीमताल लेक में आके। एंड इस तरीके से है नज़ारा। एंड बताऊँ तो थोड़ा सा ऊपर के साइड की बात करूँ तो इस समय बादल भी छाए हुए हैं, एंड काफ़ी सुंदर लगता है व्यू, एंड काफ़ी एकदम काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड फाइनली बहुत इंजॉय किया, काफ़ी दूर तक गए हम एक्वेरियम के साइड से भी विजिट घूम के आए। एंड इस तरीके से अब भी बताऊँ तो टूरिस्टों की संख्या कम ही नहीं है बिल्कुल। और इधर के साइड की बात करूँ तो इधर पुलिस स्टेशन है, एंड पीछे बैक साइड में काफ़ी लोग चिल्ला भी रहा है कर रहे हैं। और इधर की तरफ ऊपर के साइड में इधर नकुचिया ताल रोड है, ये यहाँ से सीधा नकुचिया ताल लेक के लिए जा सकते हैं जो कि वो भी काफ़ी बड़ा लेक है। उसमें स्लाइडिंग के लिए लोहे की तार भी लगा हुआ है इस छोर से लेके इस छोर तक, तो उसमें से बीच में से जाना पड़ता है एकदम। बताओ तो लेक के जो नीचे की जो पानी है वो आपके बॉडी से टच होते हुए सीधा आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा वहाँ पे भी देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे भी बहुत सारे राइड होते हैं, शिकारा राइड एंड बताओ तो कैकिंग, एंड बताओ तो साइकिलिंग वहाँ पे नहीं है, साइकिलिंग वाली बोर्ड यहाँ पर ही है भीमताल लेक में, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में नकुचियाता लेक वहाँ पे जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरीके से देखिए कैकिंग कर रहे हैं काफ़ी लोग बाहर पे आए हुए हैं। एंड ये ओके तो इस तरीके से देखने को मिलता है। और भीमताल लेक की अगर हम बात करें ना तो इसकी लेंथ काफ़ी लंबाई है इसकी भी। एंड बताऊँ तो कहा जाता है कि भीमताल लेक की लंबाई सबसे ज़्यादा है और इसकी गहराई भी काफ़ी है। और इस तरीके से यहाँ पे आके व्यू देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। एंड यहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का। और इस तरीके से क्योंकि साइकिलिंग वाली रोड देखने को, और बताओ तो उसमें लगभग 2 लोग हमेशा, और कैकिंग के बारे में बताओ तो उसमें सिंगल भी पर्सन जाते हैं एंड डबल भी कैकिंग भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हमारी बोटिंग कम्प्लीट हो चुका है, काफ़ी समय हमने बोटिंग किया है। एंड इस तरीके से स्टैंड भी बने हुए हैं और बिल्कुल इस स्टैंड में जाके लगाना होता है। एंड काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था और एकदम बिल्कुल एकदम सूरज की किरण भी पहाड़ के उस साइड में चला गया, और इसी के साथ शाम भी हो चुका है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा लगा। एंड भीमताल लेक के बारे में बताऊँ तो काफ़ी बड़ा लेक है, बहुत ही बड़ा लेक है, तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगा यहाँ का व्यू। एंड टूरिस्ट लोग आते हैं एंड काफ़ी सुंदर लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।